जय माता दी। तो आज है अष्टमी नवमी सॉरी आज है नवमी। तो बस आज हमने कन्या खिलाया है, और कन्या को हमने क्या क्या बना के खिलाया है तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने बहुत टेस्टी चने बनाए हैं, काले चने, और साथ में मैंने बनाया है सूजी का हलवा, और उसके साथ में हमने बनाया है पूड़ी और आलू की सब्जी। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने उठा, उसके बाद फिर मैंने जो है नहाया धोया, साफ सफाई किया, उसके बाद फिर पूजा किया जो डेली वाला पूजा होता है। फिर उसके बाद आ गई किचन में कन्या भोजन बनाने के लिए। तो अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ पे हम कन्या के लिए भोजन बना लेते हैं। तो मैंने एकदम शुद्ध देसी चने और आलू की सब्जी, साथ में हलवा और पूड़ी बनाया है। तो एक तरफ हमारा चना जो है पक चुका है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे आलू की सब्जी बना रहे हैं। और ये फुल वीडियो प्रीतो की इजी रेसिपीज में आपको मिलेगा। बट ये इतना टेस्टी था कि कन्याएं पेट भर के खाई और बहुत खुश होके गई। तो मैंने जो आलू का सब्जी बनाया था ना, वो एकदम फलाहारी तरीके से बनाया था, बिल्कुल भी तीखा नहीं था, स्पाइसी नहीं था, इसलिए कन्याएं बहुत मन से खाई और उसके बाद फिर बहुत तो खुश भी हुई। तो बस यहाँ पे हमारा जो है आलू की सब्जी, चना जो है, अभी चना तो डन हो गया है, आलू की सब्जी का मसाला बना रही हूँ। तो मसाला हमने जो फलाहार में जो मैं डालती हूँ, बस एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर और हल्दी, हल्दी जो है ना व्रत में नहीं खाई जाती है, बट अभी कन्या के लिए खिला रहे हो तो आप हल्दी डाल सकते हो। मैंने सारे मसाले भून के, और मैंने गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला है, गरम मसाला बिल्कुल भी ना डाले। आलू टमाटर की सिंपल सब्जी में सिर्फ सिंपल ही मसाले डालें, ये बहुत टेस्टी बनता है, अपने आप में बहुत टेस्टी होता है, ये पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। फाइनली हमने यहाँ पे पानी डाल दिया है, अब एक सीटी आने तक लगा दूंगी। और इधर हमारा चना भी पक चुका है, तो बस जल्दी जल्दी से लगी हूँ क्योंकि अभी हमने करना है हवन। बहुत लोग हवन क्या करते हैं, पंडित से कराते हैं, बट मैं खुद से कर लेती हूँ। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यति महीधियो यो न प्रचोदयात्। ये सबसे अच्छा सबसे बेस्ट मंत्र है यही पढ़ते हुए। बाकी और आपको जो आता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते, बस यही सब मंत्र पढ़ते हुए हमने हवन भी कर लिया है। तो अभी हम बना रहे हैं पहले हलवा। तो दो तरह की सब्जी बन चुकी है, हलवा मैंने आज बहुत अलग तरीके से बनाया है, और ये पूरी रेसिपी आपको प्रीतो की जी रेसिपी में आराम से देखने को मिल जाएगा। बट अभी बस मैं जल्दी जल्दी जो है वीडियो को एडिट करके हमने डाल दिया है, क्योंकि हमारा दो चैनल है, एक है प्रीतीज गुड लाइफ चैनल और दूसरा है प्रीतो की इजी रेसिपीज में। तो बस यहाँ पे हमने हलवा तैयार कर लिया है। हलवा इतना रसीला इतना टेस्टी बना था कि बिल्कुल बचा ही नहीं, सारा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कोट के डाल दिए हैं, और चीनी हमने डाल ही दिया था, और बस यहाँ पे हमारा हलवा भी डन हो गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन कराया जाता है या नवमी को। वैसे अष्टमी का भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अष्टमी के दिन माँ गौरी का दिन होता है, और तो जो है आप नवमी को खिलाते हो या अष्टमी को, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्योंकि पंडित का कहना है कि अष्टमी को भी खिला सकते हो, नवमी को भी खिला सकते हो, बस दसवीं को मत खिलाइए। तो यहाँ पे हमने नवमी को ही पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम नवमी को ही करते हैं। जो साल भर का दो नवरात्र पड़ता है ना, तो हम लोग नवमी में ही हवन करके कन्या पूजन करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ हवन करने। पूजा तो मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था, जो डेली का पूजा होता है, बट हवन क्योंकि आज माता रानी जा रही हैं अपना स्थान छोड़ के, तो माता रानी से, और हाँ आप लोगों को बोलती हूँ हैप्पी रामनवमी। उसके बाद फिर उस दिन तो पूरा दिन नवमी रहेगा, उसके बाद से फिर दसवीं लग जाएगा। और जितना मुझे आता है हवन पूजा जो भी आता है, मैं बहुत मन से विश्वास से करती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आज के दिन पंडित मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। और यहाँ पे बच्चों ने सुबह सुबह नहा लिया, सब लोग नहा चुके थे, ये 9 दिन का फास्ट रखे थे। और किसको किसको शंख बजाना आता है प्लीज़ बताना, मैंने बहुत ट्राई के बाद ही मुझे शंख बजाना आया है।
तो बस फाइनली हमने हवन कर लिया है और अब आ गई हूँ पूड़ियाँ बनाने, क्योंकि कन्याएं आ गई थी, आ रही थी, धीरे धीरे सब आ रही थी, इकट्ठा हो रही थी। तो बस यहाँ पे खाना तो सारा डन है, बस पूड़ियाँ बनाना है गर्मा गर्म। उसके बाद उनका पैर धुलाएंगे, उनको मतलब घर में प्रवेश कराएंगे, उसके बाद फिर उनको भोग लगा देंगे। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि जो वैष्णो देवी जाता है वैष्णो देवी को वापस आने के बाद कन्या खिलाना चाहिए। तो मैं एक बार गई थी तो मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था, तो मैंने काफ़ी दिन बाद खिलाया था कन्या, मतलब वैष्णो देवी से वापस आने के बाद। फिर मैंने लगातार कंटिन्यू खिलाना शुरू कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। तो जो है कन्याएं और मिल भी जाती हैं, कहीं कहीं होती है ना आसानी से नहीं मिलती है, कहीं कहीं तो मिल जाती है। हमारे बचपन टाइम में हम लोग भी बहुत कन्याएं खाए हैं, उस टाइम तो सिर्फ खीर पूड़ी और बताशे नारियल यही सब मिलता था, और अब के टाइम में तो चने आलू की सब्जी, मतलब कहते हैं ना देवी जी को जो है मीठा चीज़ खिलाया जाता है, नमकीन चीज़ नहीं खिलाया जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि आलू की सब्जी चने ये सब खिलाए जाते हैं, हमारे यहाँ उस उधर के साइड खीर पूड़ी बताशे और क्या बोलते नारियल। और यहाँ पे देखिए कन्याएं आज के दिन इतनी मस्ती कर रही हैं, कहते हैं ना कि आज के दिन इनको डांटना नहीं चाहिए, जो भी करे वो सब जो है बहुत अच्छा है, बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि आज जो कन्याएं होती हैं वो माता के रूप में होती हैं, तो उनको जैसे भी अपनी मनमानी करती हैं करने दीजिए। और अच्छा भी लगा मुझे, कुछ मतलब बुरा नहीं लगा, क्योंकि कन्याएं हैं तो थोड़ा बहुत मौज मस्ती करना ही करेंगी ही। तो बस यहाँ पे इन लोग के लिए हमने जल्दी से जो है भोग लगा दिया है। आज के दिन ना इसमें मतलब सभी लोग खिलाते हैं, तो कन्याएं ज़्यादा खाना खा नहीं पाती हैं जो है। मैं तो सुबह सुबह सबको पहले ही बुला के आ गई थी कि मेरे यहाँ आ जाना, बट सबको ऑफिस जाना होता है नवमी के दिन, कहीं कहीं छुट्टी होती है, कहीं कहीं छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होती है, जैसे इनकी भी छुट्टी नहीं थी। तो आज मैंने सुबह सुबह जल्दी से जो है कन्याओं को बुलाया, क्योंकि फिर जब एक बार घर से निकल जाती हैं ना तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बस जो है मिल गई, हर मतलब हर साल मिल जाती हैं, बहुत माता रानी की कृपा है, मिल जाती हैं। और कोरोना टाइम में तो कहते हैं कि मतलब उस टाइम नहीं मिला था, तो हमने गाय को खिलाया था। गाय हमारे यहाँ भी जो है कन्याएं नहीं मिलती है अब इस टाइम, तो गाय को ही जो है नौका जोड़ा जैसे बना के और गाय को जो है खिला दिया जाता है। कहते हैं गाय में 35,000 देवियों का वास होता है, तो गाय को भी खिला सकते हैं। कहीं कहीं होता है ना कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाती है, कहीं कहीं मिल भी जाती हैं। अब हमारे यहाँ इधर जितने गली मतलब कॉलोनी है तो सब आ जाती हैं, एक बार बोलने जाओ बस आराम से आ जाती हैं। और यहाँ पर सबको पेंसिल दे रही हूँ, पेंसिल को कह रही हूँ ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो बच्चों को खाने से उतना लगाव नहीं है, उनको बस पैसे और सामानों से ज़्यादा लगाव है। तो बस यहाँ पर खा चुके हैं, और जब कन्याएं खा लेना तो उनके हाथ में थोड़ा थोड़ा चावल रख दे, कि जब हम पैर छूते हैं ना तो वो आशीर्वाद देते हैं। और कहते हैं ना कि ये मतलब किसी ब्राह्मण के बोलने पे ही मैंने ये किया था, कहते हैं ना कि चावल का अच्छा जो है फेंक देना चाहिए, घर में इससे बरकत होती है, बीमारियाँ नहीं आती हैं। तो फाइनली जो हमारी कन्या भी हो गई है अच्छे जा रही है अपने घर, और इतने अच्छे से हुआ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सुबह 5 बजे उठी, सारे काम डन हो गए, सारे मतलब जब कोई भी काम ना मन से उल्लास से करो ना तो वो कब हो जाता है किसी मन से पता ही नहीं चलता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीडियो थोड़ा लेट डालती हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है।